प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस करा रही हूँ। कई मालूम हो चुका है, अगर आप सभी मालूम अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपका इंटीग्रेशन बहुत मजबूत हो चुका होगा। इस टाइप क्वेश्चन कई बार हमने लगाया है, वन अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स प्लस थ्री dx, राइट। अब हमारा काम क्या है, sec को किस में चेंज करना, tan में, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस थ्री, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस फोर। tan x को हम t मानेंगे, sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt, तो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस टू की स्क्वायर, वन अपॉन टू tan इनवर्स t अपॉन टू प्लस सी, वन अपॉन टू tan इनवर्स t अपॉन tan x बाई टू प्लस। नंबर सेकेंड, वन अपॉन रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के रूप का है, तो क्या करते बच्चों, सब जानते हो, जान के अनजान मत बनो, रूट थ्री के स्क्वायर थ्री प्लस वन, फोर फोर के स्क्वायर रूट टू, क्या करते हो उसमें, टू का इंटू और टू का डिवाइड, इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे, वन अपॉन टू वन अपॉन, देखिए आप यहां देखिए फार्मूला बना सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या कॉस का ही बना लीजिए, केवल कॉस एक्स वन बाई टू कॉस सिक्सटी डिग्री यानी पाई बाई थ्री प्लस साइन एक्स, पाई को अच्छे से लिखो बड़ी खोज है, साइन एक्स साइन पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। अब क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स माइनस पाई बाई थ्री, कॉस एक्स माइनस पाई बाई थ्री ऊपर गया, sec x माइनस पाई बाई थ्री, और sec x का सूत्र दो होता है, log sec x प्लस tan x भी होता है, या एक होता है log tan x बाई टू प्लस पाई बाई फोर, तो ये x का काम t का काम कर रहा है, इसको t मानेंगे, तो जाएगा log tan x माइनस पाई बाई थ्री बाई टू प्लस पाई बाई फोर। यस सर, सही है। अब क्या होगा, वन बाई टू लॉग टेन एक्स बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई टू। अब क्या करेंगे, अब यहां देखिए कितना है, फोर्टी फाइव डिग्री और ये कितना है थर्टी डिग्री, फिफ्टीन डिग्री होगा, वन बाई टू लॉग टेन पाई बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स रहेगा, ट्वेल्व थ्री पाई माइनस टू पाई यानी पाई बाई ट्वेल्व, पाई बाई ट्वेल्व प्लस। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फिर वही कहानी, वन अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो क्या निकालेंगे बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन के स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा फोर टू, फिर वही कहानी, तो हम क्या करेंगे, टू का इंटू और टू का डिवाइड, गणित ऐसा विषय ना, आनंद लेते हुए पढ़ो खुश होकर, देखिए गणित बहुत ही अच्छा आपको जीवन को कर देगा, कॉस एक्स कॉस पाई बाई सिक्स प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई सिक्स, क्यों रूट थ्री बाई टू किसका मान होता है, कॉस तीस डिग्री का, तीस डिग्री मतलब पाई बाई सिक्स, तीस पाई बटे एक सौ अस्सी, तीन छह मिनट हुआ, कॉस तीस थे साइन तीस डिग्री, फिर
वन बाई टू वन अपॉन कॉस एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स, तो वन बाई टू सिक एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स। फिर वही कहानी, लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई फोर, वन बाई टू लॉग टेन एक्स बाई टू माइ फाइव बाई ट्वेल्व प्लस फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर माइनस फाइव बाई ट्वेल्व ट्वेल्व, थ्री पाई माइनस फाइव टू पाई बाई ट्वेल्व यानी पाई बाई सिक्स। यहां लिख सकते वन बाई टू लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई सिक्स प्लस सिक्स पावर एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन। अब फिर इसको तो मिल चुके होंगे कि नहीं बच्चा, मिले थे ना इससे, वन अपान एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन। क्या करते थे, इसकी पावर एक कम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो एक्स की पावर थ्री बाई टू है तो एक कम करेंगे एक्स की पावर वन बाई टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स की पावर थ्री बाई टू और ब्रेकेट में भी एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन। अब x की पावर थ्री बाई टू को t मानेंगे तो हो जाएगा थ्री बाई टू x की पावर वन बाई टू डी एक्स डी टी, तो x की पावर वन बाई टू डी एक्स हो जाएगा टू बाई थ्री डी टी, तो ऊपर हो जाएगा टू बाई थ्री डी टी अपॉन टी टी प्लस वन, तो टू बाई थ्री वन डी बटे टी टी प्लस वन डी टी। वन को क्या लिख सकते हैं हम, t प्लस वन माइनस टी अपॉन टी टी प्लस वन, अलग अलग करेंगे टू बाई थ्री वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। वन अपॉन टी को क्या बोलते हैं, लॉग टी, क्या बोलते हैं लॉग टी। वन को लिख दिए टी प्लस वन माइनस टी, लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन हो जाएगा टू बाई थ्री लॉग टी अपॉन टी प्लस वन, टू बाई थ्री लॉग टी का मान एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन एक्स थ्री बाई टी प्लस वन। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टिकोण से, जो आपका इंटीग्रेशन कंटिन्यूड है ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आई आई टी का एग्जाम होने वाला है ना, आईआईटी में इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई का स्क्वायर एक्स ए ग्रेटर देन बी, ध्यान रखना है जब इस टाइप रहते देना चाहिए, तमाम क्वेश्चन में सब नहीं रहता है, अगर माइनस का है तो जरूरी है इसको देना ए ग्रेटर देन बी, तो आप इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करेंगे अपॉन ए स्क्वायर वन कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर नीचे स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए बच्चों अभी यही ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ए बी से बड़ा इसलिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देख रहे हो ना, अगर ए बी ए से बड़ा होता तो ऋण कॉमन ले लेते अंडर रूट बी स्क्वायर, और ए टेन एक्स को हम टी मान लेंगे, क्या होगा ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी वाई ए, यहां हो जाएगा डी टी वाई ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर, तो वन अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन में इसकी वैल्यू ए टेन एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर